start expressing large numbers in a standard form. तो नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहेंगे? तो गिवन नंबर इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म इफ़ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए के इंटू 10^n, वेयर के इज ए रियल नंबर सच दैट 1 <= k एंड <= 10 एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि एक नंबर को जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहेंगे, जब उसे हम लोग के इंटू 10^n के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे k क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, k एक रियल नंबर होगा और k का जो वैल्यू होगा वो या तो 1 के इक्वल होगा या तो 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। 10 के इक्वल नहीं, 10 से छोटा होना चाहिए। और जहाँ पे n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, k क्या मतलब यहाँ पे k क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। नहीं, यहाँ पे जो n है, n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे 10^ जो भी देगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव में नहीं लेंगे। तो जैसे मेरा ये नंबर लिखे लिखे है, ये नंबर है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो के जो एस के का जो वैल्यू कैसे लिखते थे, के इंटू 10^n, और के का जो वैल्यू था वो क्या था, 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए के का वैल्यू और लेस देन 10। तो यहाँ पे 10 अगर दो नंबर लेते हैं तो ये 23 एवव हो जाता है, और अगर हम 1 लेते हैं तो 2 जो क्या है 1 से बड़ा है, यहाँ पे के का वैल्यू यानी यहाँ पे 2 लेंगे। और इसके बाद 10^ क्या करेंगे, 10^ किसके फॉर्म, 10^n के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे बाकी नंबर कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 2। तो यहाँ 2 के पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे इनटू, और पॉइंट कितने डिजिट के पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ क्या लिखेंगे, 10^6। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे अगर हम क्वेश्चन में ये दिया हुआ होगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2, 3 हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। हम लोग जैसे क्वेश्चन दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 इंटू 10^6 है, तो हम हमें ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे, अगर हम लोग यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे पॉइंट कितना आ जाएगा, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 60 आ जाएगा, 1^6। ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मेरा जो नंबर है वो सेम नंबर देता है। तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2.34567 2 इंटू 10^6। अब जैसे क्वेश्चन अगर स्पीड ऑफ लाइट दिया हो 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे कितना है, 1 जो k का वैल्यू है वो k इंटू 10^n के फॉर्म में k का वैल्यू 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो यहाँ पे 3 लेते हैं, 3 इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10^8। अगर हम लोग 3 के बाद पॉइंट देंगे, वैसे भी यहाँ पे 0 नंबर है, तो 10^8 ही लिखेंगे डायरेक्ट मीटर पर सेकेंड। कोई नंबर रहता तब पॉइंट देते हैं, अगर नंबर नहीं है तो हम लोग पॉइंट नहीं देंगे, 0 है तो 10^8 लिख देंगे। अगर जैसे नंबर देता 3, 2, 5, 0, 0 ऐसे ही, तो हम लोग क्या लिखते, 3.3.25 × 0 नहीं लिखेंगे। तो 0 किस में काउंट आ जाएगा, 10^ में, 1, 10, 3, 4 यानी 10^ कितना, 4। अगर क्वेश्चन अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ हो और हमें यूजुअल फॉर्म में लिखने बोले, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6, 2, 8, 3, अब 10^6 है यानी 60 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब पॉइंट यहाँ कितना डिजिट के पहले है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 1, 2, 3 डिजिट के पहले क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ हम नंबर क्या लिखेंगे, 6, 2, 8, 3, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, ये मेरा क्या आ जाएगा, यूजुअल फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब कोई नंबर गिवन है, अब हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लोग को याद होगा कैसे लिखते हैं, 400 + 330 + 2 इस फॉर्म में, तो हम लोग को इसे क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। लेकिन यहाँ कैसे लिखेंगे, के इंटू 10^n के फॉर्म में एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर कितना है, 6 इंटू क्या लिखेंगे, 10^ कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 10^5, फिर प्लस का साइन, फिर नंबर मेरा 8 आता है, 8 के पास 8 × 10^1, 2, 3, 4, 10^4 प्लस 4 × 10^3 प्लस 3 × 10^2 प्लस 0 × 10^1 प्लस 5 × 10^0, ये हो जाएगा एक्सटेंडेड फॉर्म में।
आप अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो तो आप नंबर्स में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ 6 to the power 4 है, 6 × 10 to the power 4 है, यानी 6 के बाद कितना डिजिट होना चाहिए? 4 1 2 3 एंड 4। फिर 5 यहाँ पे सबसे छोटा क्या है? 7। यहाँ 5 × 10 to the power 3, तो 5 के बाद कितना डिजिट थे? 1 2 3। फिर यहाँ पे 0 × 10 to the power 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 10 की पावर 2 यानी 1 और 2 प्लस और × 3 × 10 to the power 1, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा और 7 यहाँ पे। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ हो तो हम लोग न्यूमरल्स फॉर्म में इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। तो एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख रहा है, तो हम लोग वैसे ही लिखें जैसे यहाँ पे 588 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5.88 × 10 to the power 2। अब यहाँ पे भी इसे भी डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है, तो इसे भी हम लोग क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। और भी बहुत सारी डिस्टेंस दिया है बिटवीन अर्थ एंड मून, सारी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस फॉर्म में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, उसे न्यूमरल्स फॉर्म में लिखना है। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू।